हेलो गाइस, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू चैनल सुमित्रा व्लॉग्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। टू माय चैनल सुमित्रा व्लॉग्स यू आर वेरी वेलकम। एंड टुडे इज 14th अगस्त संडे एंड वी आर गोइंग टू बिदार। टुडे बिदार इज अ प्लेस इन कर्नाटका, जस्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ तेलंगाना एंड महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। द थ्री बॉर्डर्स आर देयर। महाराष्ट्र का बिदार इज इन कर्नाटका एंड शेयर्स इज बॉर्डर विद तेलंगाना एज वेल एज महाराष्ट्र। तो हम लोग तो तेलंगाना में रहते हैं, बेसिकली हैदराबाद में। वी आर गोइंग टू बिदार। इट इज़ 130 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस। I've seen on Google Maps and all. तो Google Maps वाला रूट ही फॉलो करूँगा मैं, वाया शंकरपल्ली एंड मोकिला एंड ऑल। तो टी फी वी आर गोइंग एज अ फैमिली, मी माई सन माई वाइफ एंड माई मदर इन लॉ। वी आर गोइंग इन माई वाइफ सिग्निस ऑटोमेटिक एग्निस 1.2 अल्फा। तो जाते हैं बेसिकली, रास्ते में कनेक्ट करते हैं और आज का दिन एक्साइटिंग होने वाला है। बेसिकली वील कम बैक इवनिंग, वन डे रोड ट्रिप, 130 किलोमीटर्स वन वे। सो आना जाना मिला के 260 किलोमीटर्स और अंदर घूमना शायद 20-30 किलोमीटर्स मोर। तो 250-300 किलोमीटर्स रोड ट्रिप टुडे टू बिदार, हैदर फ्रॉम माई होम अलकापुर रेजिडेंसी इन अलकापुर टाउनशिप टू बिदार। ओके, वी आर गोइंग नाउ। हम कार में बैठते हैं तो आप कनेक्ट करते हैं फिर से। सो गाइस, वी हैव क्रॉस्ड शंकरपल्ली। शंकरपल्ली क्रॉस करके राइट साइड लिया हमने, वहाँ से लेफ्ट साइड जाने पर अंडर हिल्स की तरफ जाते हैं विकाराबाद। शंकरपल्ली से आप राइट लें तो यू विल गो टुवर्ड्स बिदार। वी आर गोइंग टू बिदार टुडे एंड दिस इज द मुंबई पुणे हाईवे, सॉरी फ्रॉम हैदराबाद। पुणे और मुंबई दोनों इसी रास्ते से जाते हैं और बिदार भी इसी रास्ते पड़ेगा, कहीं से कट होगा या फिर इसी रास्ते पे ही पड़ेगा, देखते हैं आगे। दिस इज द मुंबई पुणे हाईवे, 4-lane हाईवे, वेरी गुड हाईवे, एक्सप्रेस वे काइंड ऑफ। So we can easily maintain a speed of 80 to 90 here, maybe more also. But 80-90 में चला रहा हूँ मैं, मोस्टली ज़्यादा नहीं चला रहा हूँ, 80-90. So this is the way towards बिदार। हम बिदार जा रहे हैं अभी। We started at around about, थोड़ा लेट हो गया था निकलने में, 11:15 बजे से निकलते पेट्रोल भरा था मैं। तो बेसिकली इट्स अराउंड अबाउट 12:15, एक घंटा हुआ निकले हुए, एक 45-50 मिनट्स एंड वी हैव क्रॉस डन टिल 40-45 किलोमीटर्स चल रहा हूँ। बट अगले 90 किलोमीटर्स हम डेढ़ घंटे में हो जाएंगे। बाय 145 to 150 वी इंटेंड टू रीच बिदार। बिदार फोर्ट है वहाँ, बैमनी टॉम्स है और एक गुरुद्वारा है बड़ा, और कुछ भी स्पॉट्स हैं वहाँ, 3-4 स्पॉट्स हैं कम से कम, वो तो देखेंगे हम। तो लेट्स मूव ऑन, क्रूज ऑन एंड ठीक है, मिलते हैं आपको, हम पहुँच के मिलते हैं, बिदार पहुँच के मिलते हैं। लेट्स मीट आफ्टर वी रीच बिदार। ड्राइव अच्छी। हेलो गाइज, वी हैव स्टॉप्ड एट फूड पिरामिड। दिस इज फूड पिरामिड, ये फूड पिरामिड रेस्टोरेंट है। बाहर आप देख सकते हैं बाहर का व्यू। दिस इज द फूड पिरामिड।
एवरीबडी सिटिंग हियर, माय वाइफ, माय मदर इन लॉ, माय सन, मी. तो फूड पिरामिड रुक गया बेसिकली अभी एक बजा है राउंड अबाउट. हम भूख लग लगे बेसिकली, वी आर फीलिंग वेरी हंग्री एंड दिस फूड पिरामिड इज प्रीटी फेमस ऑन दिस हाईवे. तो हम लोग अभी टोल से जस्ट पहले फूड पिरामिड रुके हैं, अभी भी एक घंटा लगेगा पहुँचने भीतर. तो एक बजे ही रुके हैं हम खाना खाने के लिए. हम डेढ़ बजे यहाँ से फ्री होंगे, डेढ़ एक फोर्टी पे. तो खाना खा चुके होंगे बेसिकली हम. वी वुड हैव आवर लंच हियर ओनली. तो वील रीच आफ्टर वील दिस विल स्टार्ट इन वन आवर. वील रीच 2:30 या 2:45 हो जाएगा बोलते थे. घूम घाम के फिर आज जाते हो यहाँ से स्नैक्स, शाम के चाय और स्नैक्स करते हो जाएंगे. बेसिकली दिस इज द फूड पिरामिड. नाइस बिग रेस्टोरेंट ऑन दी हैदराबाद मुंबई हाईवे. हैदराबाद मुंबई, हैदराबाद पुणे हाईवे. देखते हैं कार बड़ी वहाँ खड़ी है. ठीक है, खाना आता है तो मैं दिखाता हूँ आपको. फिर खाते हुए खा के निकलते हैं बेसिकली बीदर की तरफ. एक घंटा और लगेगा बीदर. इट इज 60 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर बीदर. तो ठीक है, बारिश भी हो रही है अच्छी खासी. वेदर इज़ वेरी प्लीजेंट. तो अच्छा ही लग रहा है बेसिकली. ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं आपको. तो गाइस ये है चिकन करी, दही और रोटी सैलेड के साथ. कढ़ाई चिकन, दही, सैलेड, रोटी. और ये खा रहे हैं सब बिरयानी. मेरे वाइफ और मेरा सन बिरयानी खा रहे हैं, चिकन बिरयानी. मेरी मदर इन लॉ भी चिकन करी और रोटी खा रही है दही के साथ. ना बाबा, नो 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 नो, हमें चाहिए ना. ठीक है, मेरा उसान अभी नींबू डाल रहा है मेरे चिकन में, मुझे चाहिए नहीं था, उसने डाल दिया. उसको लगा कि अच्छा अच्छा रहेगा. ठीक है, एनीवे क्यूट एनी. ठीक है, चलिए खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं. फिर हम एक घंटे में बीदर पहुँचेंगे, उसके बाद खा करके निकलते हैं. तो गाइस हम लोग उस टाइम हुआ खा के लंच करके निकले. काफ़ी टाइम हो गया एक्चुअली, बट मैं वीडियो यहाँ से बना रहा हूँ बेसिकली. दिस इज जहीराबाद रिजर्व फॉरेस्ट वी हैव एंटर्ड. आप देख सकते हैं दोनों तरफ कितनी ग्रीनरी है, जंगल है पूरे. जहीराबाद रिजर्व फॉरेस्ट, बहुत सीनिक ड्राइव है यार ये. एक तो मानसून्स, ऊपर से ये जंगल से ड्राइव, बारिश में ये जंगल में ड्राइव, बड़ा हरियाली और बड़ा सीनिक ड्राइव है बेसिकली. लविंग इट. और हम लोग जस्ट 25-30 किलोमीटर दूर हैं बीजार फोर्ट से. 25-30 किलोमीटर्स मैक्सिमम, तो हाफ एन आवर लगेगा. 30 मिनट्स मोर टू रीच टू बीदार फोर्ट. 245 राइट नाउ, 315 विल रीच बीदार फोर्ट. एंड उसके बाद दो तीन चीज़ें और देख के वहाँ पर. बोहेमियन टॉम है, बोहेमियन टॉम है, और एक गुरुद्वारा है, एक चर्च वर्च भी होगा शायद चैपल. देख वो सब देख के हम लोग शायद 5 बजे तक निकलेंगे यहाँ से. तो 7:30-8 बज जाएगा घर पहुँचते पहुँचते. जस्ट 30 मिनट्स एंड दिस इज जहीराबाद रिजर्व फॉरेस्ट. वेरी नाइस सीनिक ड्राइव यार, बिल्कुल मानसून में. इट इज रेनिंग एंड वी आर ड्राइविंग थ्रू दिस डेंस फॉरेस्ट रोड. Both sides road and lot of cars and lot of bikes also are coming. कई लोग जा रहे हैं शायद बीजापुर साइड गए, कई लोग सॉरी बीदर गए, बीदापुर से आ रहे हैं और बीदर से वापस आ रहे हैं कई लोग हैदराबाद. तो दिस रूट इज़ प्रीटी सीनिक रूट, जहीराबाद रिजर्व फॉरेस्ट. बोथ साइड्स ग्रीनरी, लश ग्रीनरी. एंड मानसून तो पता ही है आपको, इट्स रेनिंग एंड लश ग्रीनरी इज बिकमिंग मोर ब्यूटिफुल एंड मोर ग्रीनर एंड ग्रीनर. वी आर लविंग इट, लविंग अ ड्राइव. ठीक है, आपको बीदर फोर्ट पहुँच के मिलते हैं. ये देखिए कितनी सीनिक ड्राइव चल रही है. तो बीदर फोर्ट आधे घंटे पहुँच जाएंगे हम. वहाँ बीदर फोर्ट पहुँच के आपको कनेक्ट करते हैं और एक दो प्लेसेस और देखेंगे वहाँ उसके बाद. ठीक है, लेट्स सी यू एट बीदर फोर्ट. हेलो गाइस, सो वी हैव रीच्ड द फोर्ट. बेसिकली यू कैन सी द फोर्ट इन द बैकग्राउंड. अभी हम फोर्ट के अंदर जाएंगे. बेसिकली फोर्ट के अंदर जा रहे हैं. बेसिकली पार्किंग में खड़े हम लोग, हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है. गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है और यहाँ बेसिकली व्यू आ रहा था अच्छा. एक फोर्ट से नीचे का व्यू आ रहा था, वो अच्छा लग रहा था बेसिकली मेरे को. तो इसलिए मैं इधर आ गया, आपको व्यू दिखाता हूँ. आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं बेसिकली, कितना अच्छा व्यू आ रहा है बेसिकली. यू कैन सी वेरी गुड व्यूज कमिंग. पूरे बीदर का व्यू आ रहा है मेरे ख्याल से यहाँ से. आई शो यू द व्यू ऑल्सो. तो गाइस यू कैन सी द फोर्ट. फोर्ट से फोर्ट पे खड़ा हूँ मैं, पार्किंग में खड़ा हूँ फोर्ट के. जब मैंने गाड़ी पार्किंग की है यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है. द व्यू इज़ ऑसम फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ द फोर्ट एंड द लेक. वन लेक इज़ देयर. बहुत दूर से लेक दिख रही है हल्की सी एक, और ये पूरा व्यू आ रहा है फोर्ट का. फोर्ट काफ़ी ऊंचा है बेसिकली. हम लोग फोर्ट के अंदर जाते हैं अभी. फोर्ट के अंदर काफ़ी आपको सीन दिखाते हैं. तो ये है बेसिकली, ये पार्किंग में खड़ी है हमारी गाड़ी. ये पार्किंग ही पार्किंग है बेसिकली. काफ़ी गाड़ियाँ आई हैं हैदराबाद साइड से भी. हैदराबाद साइड से भी काफ़ी गाड़ियाँ आई हैं, बैंगलोर साइड से भी काफ़ी गाड़ियाँ आई हैं. तो ये काफ़ी बड़ा फोर्ट है. अंदर जाते हैं और दिखाते हैं आपको अभी. तो गाइस द फोर्ट हैज स्टार्टेड, वी आर एंटरिंग द फोर्ट नाउ. ये काफ़ी कुछ लिखा हुआ है बेसिकली यहाँ. ये फोर्ट है, अंदर जा रहे हैं अभी. काफ़ी लोग हैं अंदर. ये भी एक कुछ लिखा हुआ है, शेरजा दरवाज़ा. ये है शेरजा दरवाज़ा. ये शेरजा दरवाज़ा, लोग जा रहे हैं अंदर.
दिस इज द फोर्ट, काफ़ी अच्छा फोर्ट है। ये दरवाज़ा, एक और शेरजा दरवाज़ा, काफ़ी बड़ा फोर्ट है यार ये, सीरियसली वेरी गुड फोर्ट। आप देख सकते हैं, नाइस फोर्ट, नाइस फोर्ट, अच्छा फोर्ट है, काफ़ी बड़ा फोर्ट है, आई थिंक गोलकुंडा के लेवल का ही है। गुड फोर्ट, काफ़ी बड़ा फोर्ट है, और काफ़ी अंदर से जाना है, बेसिकली चल के काफ़ी अंदर जाना है, ऊपर भी जा सकते हैं, लोग ऊपर से भी आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको वीडियो शॉर्ट दिखाता रहता हूँ, कंटिन्यूस तो नहीं दिखाऊंगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। अच्छा फोर्ट है, काफ़ी बड़ा फोर्ट है, बिदर फोर्ट देख सकते हैं आप। गाइस सी, वेरी नाइस फोर्ट यार, काफ़ी अच्छा फोर्ट है, काफ़ी लोग हैं, संडे भी आ चुकी है और इंडिपेंडेंस डे लॉन्ग वीकेंड है, कल भी छुट्टी है लोगों की, तो आज सब इन्जॉय कर रहे हैं। दिस इज ऑन द तेलंगाना महाराष्ट्र एज वेल एज कर्नाटका बॉर्डर, ये आता है कर्नाटका में, बट तेलंगाना और महाराष्ट्र दोनों को बॉर्डर लगता है बिदर में, तो काफ़ी लोग आते हैं, बेसिकली तेलंगाना से भी आते हैं, महाराष्ट्र से भी आते हैं और कर्नाटका से भी आते हैं, तो वेरी कॉस्मोपॉलिटन मिक्स कल्चर। यू कैन सी द फोर्ट, वी आर गोइंग इनसाइड नाउ, फील्स लाइक द आपका गोलकुंडा फोर्ट की तरह फील हो रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा, सारे फोर्ट मोर ऑर लेस सेम ही रहते हैं इंडिया में जो बनाए हुए हैं, स्कल्पचर लगभग 80% सेम रहता है। अंदर देखिए कि गोलकुंडा, बिल्कुल गोलकुंडा फोर्ट जैसा फील हो रहा है मैं भी अंदर जाके, ये भी और अंदर देखो बिल्कुल गोलकुंडा फोर्ट जैसा फील हो रहा है, गोलकुंडा फोर्ट जैसा फोटो फील हो रहा है, देखो यहाँ गोलकुंडा फोर्ट वाला फील आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही गोलकुंडा फोर्ट में भी ऐसी ग्रीनरी है, ऐसे ही गार्डन है और ऐसे ही स्कल्पचर है एकदम। इंडियन फ्लैग होस्टेड, इंडियन फ्लैग अंदर होस्टेड है प्रॉपरली, देख सकते हैं आप। ये देखिए इंडियन फ्लैग फ्लाइंग हाई, टुमारो इज इंडिपेंडेंस डे एंड द फ्लैग इज ट्राइकलर, इंडियन ट्राइकलर इज फ्लाइंग हाई होस्टेड, आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पर रंगीन महल, व्याख्या केंद्र, इंटरप्रिटेशन सेंटर एज वेल एज रंगीन महल ऑन दिस साइड, लेफ्ट हैंड साइड इंटरप्रिटेशन सेंटर, ऑन द राइट हैंड साइड। ओके नाइस फोर्ट यार, दिस वन बिग फोर्ट, काफ़ी अंदर काफ़ी कुछ देखने को है, कवर करता हूँ वो भी मैं। गाइस ये है हज़ार कोठरी, ये हज़ार कोठरी हम लोग अंदर जा रहे हैं, बेसिकली तेलुगु में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तेलुगु लिखा हुआ है हज़ार कोठरी, और ये हम लोग जा रहे हैं हज़ार कोठरी अंदर, अंदर की तरफ। ये और हज़ार कोठरी दरवाज़ा है, अंदर जाना है फिर, बड़ा दरवाज़ा है, जैसे बिग डोर हेयर आउट हेयर, गो इनसाइड। बिग फोर्ट, प्रिटी बिग फोर्ट, फील्स लाइक गोलकुंडा, काफ़ी फील आ रहा है गोलकुंडा जैसा। ओपन स्पेस, लॉट ऑफ पीपल सिटिंग हेयर, फील्स लाइक गोलकुंडा, लॉट लॉट लाइक गोलकुंडा, है गोलकुंडा मतलब लगता ना अभी कतो 80% गोलकुंडा मतलब लगता। सो गाइस दिस इज द इनसाइड किला, इनसाइड फोर्ट, द इनसाइड पार्ट ऑफ द फोर्ट, लिखा हुआ सब सर्कल ऑफिस पीने का पानी, एंड बाहर लिखा था बीदर फोर्ट, यहाँ अंदर आओ इधर, ये है एक्चुअल बीदर का फोर्ट, ये सामने गार्डन्स है, ये फोर्ट था, ये बीच में गार्डन्स है, पूरा गार्डन्स है सर, गार्डन एरिया। बीदर फोर्ट इज़ वेरी बिग फोर्ट यार, अच्छा खासा बड़ा फोर्ट है, तो दिस इज अ बिग फोर्ट बेसिकली, लॉट ऑफ गार्डन एरिया इन साइड, घूमने आए काफ़ी लोग, संडे है, इट्स अ टूरिस्ट प्लेस। मम्मी नहीं सारी फोटोज़ मम्मी नहीं नहीं।
काफ़ी लोग आए हैं, ऑटो ऑटो चाह रहे हैं बेसिकली, लॉट ऑफ फैमिलीज ऑफ कम एंड सी अ लॉट ऑफ ग्रीनरी एज वेल एज लॉट ऑफ कंक्रीट इन द फॉर्म ऑफ वॉल्स यू सी। तो ये है बीजार फोर्ट, ठीक है। तो गैस ये हुआ आपका इसके का तरकश महल, दिस इज तरकश महल, आई थिंक यू कैन सी प्रॉबली इज रिटन वेरी क्लियरली तरकश महल, दिस इज तरकश महल। थोड़ा जूम इन आउट कर देता हूँ, ये तरकश महल है बेसिकली, और इधर है सोलाखम मॉस्क, दिस इज 16 पिलर मॉस्क, सोलाखम मॉस्क लिखा है यहाँ पर, 16 पिलर मॉस्क है ये, यू कैन सी क्लियरली, ये पूरा खाली एरिया है यहाँ पर, आई थिंक यहीं ये मॉस्क है, इधर तरकश महल है, उधर रंगीन महल था, और ये पूरा गार्डन एरिया है। तो दिस इज़ द बीजार फोर्ट बेसिकली, क्वाइट बिग एंड यहाँ से लैंडस्केप से बहुत अच्छा से एरिया दिखता है। तो दिस इज़ द बीजार फोर्ट, बाकी मैं कुछ और देखता हूँ दिखाता हूँ। गाइस आप देख पा रहे हैं संडे की वजह से कितना क्राउड है आज, बहुत क्राउड है, बहुत लोग आए हुए हैं, क्राउड ही क्राउड है। इधर से लोग निकल रहे हैं अभी, इधर लोग हैं कैफेटेरिया अंदर, ये इतनी भीड़ है, अच्छी खासी भीड़ है आज, लॉट ऑफ पीपल हैव कम इन, काफ़ी लोग हैं। उधर देखिए भीड़ कितनी हो रही है, अच्छी खासी भीड़ हो रही है, काफ़ी लोग आए हुए हैं, ठीक है। तो अब ये देख के हमें और क्या देखना, हम डिसाइड करते हैं, अदरवाइज़ हम निकल जाएंगे, 4 बज रहा है ऑलमोस्ट, एक दो चीज़ें और देख के फिर हम लोग 5 बजे तक निकल जाएंगे यहाँ से, देखते हैं और क्या क्या देखने को है, काफ़ी भीड़ हो रही है। ओके तो गाइस देखना हो गया फोर्ट, वी हैव ऑलरेडी सीन, एंड एक दो चीज़ें और हैं बेसिकली देखने का, मन तो नहीं कर रहा क्योंकि 4 बजे और 4:15 बज रहे ऑलरेडी, लेट हो जाएगा पहुँचते। एक रास्ते में एक डैम टाइप कुछ पड़ा था बैराज, वहाँ पर हम रुक के फोटो कुछ क्लिक कर लेंगे थोड़ा बहुत एंड फिर निकल जाएंगे। तो हम रास्ते में निकलते हैं और शाम को अगर फूड पिरामिड में शाम की चाय वाय पी के निकलेंगे, क्योंकि जब 2 घंटे में फूड पिरामिड आ जाएगा, देखते हैं अगर मूड करेगा तो, नहीं तो घर जाके पियेंगे, देखते हैं। तो हम निकल रहे हैं बेसिकली अब, और रास्ते में एक बार उसको कनेक्ट करते हैं आपसे रास्ते में निकलते वक्त। तो वी आर स्टार्टिंग नाउ, ओके बैक टू होम। सो गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर फ्रॉम आवर हाउस ऑन द ORR, यहाँ ORR कनेक्ट हो गई है एंड ORR पे आते ही लगता है कि हैदराबाद आ गया। तो 30 किलोमीटर लगेंगे और हम लोग ORR चढ़ गए हैं बेसिकली, और हम थोड़ी देर में घर पहुँच जाएंगे 1/2 आवर में। तो ये रहा हमारा आज का 1 डे रोड ट्रिप टू बीदार एंड इट वॉज गुड, मज़ा आया, अच्छा रोड ट्रिप था, 130 किलोमीटर का। बीदार फोर्ट बहुत बड़ा था और कुछ खास वहाँ देखने को था नहीं, बीच में लैंडस्केप्स थे, बहुत सीनिक है वो बेसिकली, बहुत जंगल है वहाँ और बहुत सीनिक लैंडस्केप्स एंड ऑल, डैम है, पानी भरा हुआ है और मानसून ड्राइव थी, सो एंजॉयड आवर ड्राइव। नाउ वी आर हेडिंग होम, घर चलते हैं और आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं बेसिकली, ORR पर ड्राइव कर रहे हैं अभी, 30 मिनट के बाद पहुँचेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड वॉच द वीडियो, सब्सक्राइब टू चैनल सुमेरा ट्रैवलॉग्स, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, एक्साइटिंग वीडियोज़ जहाँ मैं घूमता हूँ बेसिकली, या मैं कुछ और एक्टिविटी करता हूँ, या मैं कोई खाने का रिव्यू देता हूँ, या मैं कोई गाना गाता हूँ, या फिर अभी हम लोग गोवा जाने वाले हैं, तो ऑन 31st वी आर गोइंग टू गोवा फॉर 5 डेज, विल कम बैक ऑन 4 सितंबर एंड वी गो ऑन 31st अगस्त, 5 डेज रोड ट्रिप टू गोवा एट द एंड ऑफ द मंथ। तो उसका वीडियो बनेगा अच्छा सा, और वहाँ के बीचेस का वीडियो बनाऊंगा, एक बार मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ बट ठीक है, इस बार मैं और थोड़ा सा एक्सक्लूसिव वीडियो बनाऊंगा। और ओके देन प्लीज लाइक शेयर एंड वॉच द वीडियो, सब्सक्राइब टू चैनल सुमित्रा व्लॉग्स, दिस इज योर होस्ट सुमित्रा सेइंग बाय विद हिज फैमिली, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय।